19 साल की उम्र थी, एक बड़ा कंपटीशन जीता तो 1 लाख रुपए का इनाम मिला। होश उड़ा, मैं कौन बनेगा करोड़पति। मैं कॉमेडी करता था, स्टैंड अप कॉमेडी का मुझे शौक था, स्टेज पे परफॉर्म करने का शौक था। नहीं मजाक मत करो, क्या फील कर रहे हो? मैंने कहा गिल्टी। अब होते होते हुआ ये कि सही लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था, अपनी मार्केटिंग बेहतर कर रहा था, तो सही लोगों ने मुझे देख लिया, सही लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, सही अपॉर्चुनिटी मैंने आइडेंटिफाई कर ली, और मुझे ऐसा लगता था मैं फनी नहीं हूँ। पैशन जो होते हैं ना लोगों के, उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाते लोग। जिसको म्यूजिक का शौक है या किसी चीज का भी शौक है। अब आप कितने जा रहे हैं? अब मैं जियो पे आ रहा हूँ, जियो न्यूज पे आऊंगा मैं। अच्छा, 11 से 12 के स्लॉट में। ये मेरी जर्नी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इस पे इसकी तरफ बढ़ रहा था और जियो में आना चाहता था या किसी भी टीवी चैनल पे जाना चाहता था या मीडिया पे आना चाहता था। पर से मैं कॉमेडी करता था, स्टैंड अप कॉमेडी का मुझे शौक था और स्टेज पे परफॉर्म करने का शौक था। मेरा एक करियर था, कॉर्पोरेट करियर, मैं उसको इन्जॉय कर रहा था, मैं उसमें नौकरी कर रहा था, उसमें ग्रोथ ले रहा था और ये साथ में कर रहा था। यार वो कॉन्डम चाहिए, कॉन्डम चाहिए। अशफाक इन्हें कॉन्डम दिखाओ। अब दुकान पे जो भी लोग खड़े थे सब छोड़ देते हैं और आपको देख रहे होते हैं। अच्छा, तो वो मॉल था। अब अब्बा को जब कैंसर डायग्नोस हुआ ना, तो उस वक्त तक मैं कर रहा था स्टैंड अप। जब अब्बा को कैंसर, उसके बाद छोड़ दी इच्छा साथ। फिर 2015 तक बिल्कुल भी नहीं कर पाया मैं। 11 से 15 तक मूड ही नहीं था, ऐसा लगता था इसके लिए खत्म हो चुकी है, ऐसा लगता था फनी नहीं हो पाऊंगा। तो एक पूरी कैंसर पेशेंट के साथ जो है वो रहना चैलेंज इटसेल्फ बहुत ज़्यादा। तो अब्बा से हमारी मेरी एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूर थी कि सबसे पहले मुझे और अब्बा को पता चला था कि वो कैंसर है। और लाइफ एक डिफरेंट एंगल पकड़ चुकी थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं डिप्रेस था, मैं गमन था। वो आई वॉज सैड बिकॉज माई फादर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड और मैं उनसे हर किस्म का मजाक कर लेता था। वो बहुत सख्त अब्बा थे, ऐसा नहीं था कि वो बहुत प्यारे अब्बा थे कि हाँ भाई आओ साथ बैठ के सुट्टे लगाएंगे, ऐसे वाले नहीं थे वो। 2015 में फिर इवेंचुअली काफ़ी दोस्तों ने कहा कि कर लो कर लो कर लो, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मगर बाय द टाइम मैंने अपना कॉन्टेंट देखा जो पहले का था, मैंने कहा यार ये तो ऑब्सोलीट कॉन्टेंट है, इस पर कौन अब हंसेगा, ये तो आधे से ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं है, तो मिसोजिनिस्ट बातें भी हैं इसके अंदर, आई कैन नॉट डू इट एनी मोर। शादी के बाद सबसे मुश्किल काम होता है कॉन्डम लेना। नहीं कॉन्डम बोला सब ऑकवर्ड हो गए, मेरे जोक्स बहुत पुराने हो गए। अच्छा, कुछ जोक्स ऐसे थे जो उस ज़माने के लिहाज से थे भी नहीं अब, ठीक है, तो वो जोक्स भी इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। कंटेंट नया बनाना पड़ेगा, क्या बनाऊं, दिमाग ही नहीं चल रहा था। जब के पैदा होते ना, सबसे लड़का खास तौर पे जब पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं भाई इसको मुसलमान करो। मैंने कहा यार कितना मुसलमान करूं, मार रहा है लोगों को, रो रहा है, तोड़ रहा है चीजें, कितना मुसलमान करूं। स्टैंड अप मैं करता था, तो मैं स्टैंड अप जब शुरू किए थे तो पैसों के लिए नहीं करता था, मुझे अच्छा लगता था मैं करता था। अब एपिटूला मुश्किल लफ्ज लग रहा था, मैंने कहा यार थर्मामीटर मैं किस मुश्किल जगह रखूं। ये वो डायरेक्टर हैं, वो हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, तो वो देखते थे यार ये कौन है लड़का। अब शादी के बाद जब आप जाते हैं लेने के लिए, आप पहले देख रहे होते हैं यार। अगर कोई पूछे ना यार आप ये काम इंजॉय करते हैं, मैं सिर्फ इस काम में स्टैंड अप कॉमेडी इंजॉय करता हूँ। बाकी लोग लगता होगा TBH बहुत इंजॉय कर रहा हूँ या मैं ये कुरकुर, मैं कर रहा हूँ यार, वो मेरी नौकरी है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहा आपको, एक सेक्स सिंबल बना दिया कि ये है वो है मकीरा, बस यही गंदे काम। या लेकिन जिस तरह आप, एक मिनट, सेक्स गंदा तो नहीं है। नहीं मैंने कब कहा, मेरी जब इमिग्रेशन अप्लाई हो गई तो असफर हो गई, तो असफर भाई, असफर अली भाई, उन्होंने मुझसे कहा यार ये मैं तेरे लिए शो बना रहा हूँ, 2 दिन की शूट होगी, बस कर लेंगे, इतने पैसे ले ले। तो मुझे असफर भाई हैं, असफर अली, जिन्होंने सब सेट है बनाया था, आदो आप मानी असफर के नाम से मशहूर। तो असफर भाई बहुत बड़े प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि यार अब तुम जा रहे हो, जाते जाते ही बस एक ये शो कर जाओ। आई जस्ट वोक अप दैट डे एंड आई वोक अप सेड लेट्स डू समथिंग किक एस, बनाते हैं कुछ यार, असफर बहुत दिन हो गए नहीं बनाया कुछ। अब यहाँ तो ये होता है कि घर होगा, 2 बच्चे होंगे, हम जंगलों में रह लेंगे, फिर एक सफेद करोला लेंगे, सफेद करोला उसकी रीसेल होगी ना। बट आई हैड सीन देयर वर्क and I knew that this show that I'm going to do is going to really make it big. लेकर आएंगे, you know? इतना बड़ा? हाँ, जितना घुस सकते घुसा दो।
स्टेज पे कैमरा खुला, सामने लाइव ऑडियंस बैठी हुई थी, मैंने कहा भाड़ में गया सब, इनकी पकड़ा, इन पकड़ लिया था। किस किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं? ये खुद बोलते हैं या आप ही बात करते हैं? नहीं, इन्होंने मुझे रखा हुआ, मैं इनकी आईस पी आर हूं। मुझे एहसास था ये हिट हो जाएगा, कुछ था अंदर से ना, ये हिट होगा। मैंने कहा जल्दी रिलीज होगा तो ये हिट हो जाएगा, और फिर मैं नहीं जाऊंगा, थोड़े दिनों बाद जाऊंगा, और कुछ करूंगा, ये करूंगा, पैसे कमाऊंगा। एक्चुअली ये इतना सारा हो चुका है ना, तो अब कुछ नया करो आज, बहुत क्या नया करें भाई, तुम बता क्या नया करें? सर्जरी करवा ली यार, करवाई। हाँ करवाई, क्या बड़ा छोटा किया? बाल थोड़े से मैंने जो है ना यहाँ से लगवाए, इधर से साइड से बाल लगवाए, और कहाँ से निकलवा के यहाँ लगवाए? तो वो वायरल होते चली गई, और फिर वो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा यार ताबिज वापस आना पड़ेगा सीजन 2 रिकॉर्ड। मैंने कहा भाई मैं तो नौकरी करता हूँ और यहाँ तो 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, तो ऐसा है कि वापस आना है, 2 हफ्ते में करना है जो करना है। कहा हाँ 2 हफ्ते में करेंगे। कभी ऐसा ख्याल आता है कि यार मेरे जैसा भी वो टैलेंटेड है मेरे जैसा ही, मगर मेरे साथ लक है? कभी ऐसा लगता है, कभी यह फील होता है कि नहीं यार मैं ही हूँ टैलेंटेड, मुझे जो मिला है वो मेरे टैलेंट से मिला है, लक से नहीं मिला? यार मैं अपने काम को जब देखता हूँ ना, तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक जगह पहुंचा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि एक वीडियो बनाई था हिट हो गए, मैं करता गया, वो वीडियो कभी हिट ही नहीं हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ते रहे। TBH जो था ना, वो 3 साल से कर रहा था, अब मुझे लगता था कि यार अब बहुत घटिया लगेगा, सही, इवेंचुअली सीजन 4 आएगा, अगर ये फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो एक चीज यहाँ पे फिक्स हो जाए तो फिर वो चल ही रही थी। TBH वाला टाइम तो पूरा हो गया। अभी मैं जो शो कर रहा हूँ टीवी के ऊपर, शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, ये किसी और अजीब सा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा दिल नहीं चाह रहा है इस वक्त चाय बना के। आप नखरे मत दिखाएं, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ, प्लीज चाय बना। अच्छा, अगर आपको एक नई चीज दी थी करने को, तो वो करके देखा अपने आप से? नहीं हुआ, बट या मे बी यू शुड हैव यू नो लाइक मे बी दिल से थोड़ा सा करके देखे थे एक बार क्या क्या चाह रहे हैं। इफ आई एम वाचिंग ताबिश, देन आई वांट टू वॉच ताबिश। बस कहीं मैं इलेक्शन में खड़े होने में मजबूर ना हो जाऊं। मैंने सोचा कि मैं हो सकता है आजाद उम्मीदवार खड़ा हूँ, अकेला कराची से खड़ा हूँ। ताबिज के शो में आए ना, सब होस्ट बन गए। मगर ये टीवी वाला काम जो है ना, शायद मैं एक वक्त आया मैं बोलूं यार मुझसे नहीं हो पाता, मैं खत्म करूंगा। गेम खेलेंगे, गेम का नाम है बचाओ। किससे? मगर मैं इस मासेस की रिकग्निशन का फायदा उठाना चाहता हूँ, मैं इवेंचुअली पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, जान मारूंगा। इसको बुलाया, सुंदर को बुलाया, इनसे कहा कोई अपीयरेंस दे दो, अपने अपने फैंस ले आओ, तो वोट डालने की पूरी कोशिश, बहुत वोट अगर पड़ गए मुझे। गाड़ी में बैठकर अपने आप से बात नहीं कर सकता, अब लोग देखते हैं शीशे में तो दोबारा देखते, अरे ये तो ताबिज भाई हैं, और ये अरे बड़बड़ा रहे हैं, पागल हो चुके हैं, तो इस तरह की हरकतें